नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था और आज से 2000 रुपए के नोट को जमा करने और बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। वहीं अब इस बीच एक याचिका भी दाखिल की गई है। बताया जा रहा है कि आप किसी भी बैंक में जाकर नोट बदल सकते हैं, जहां इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की आलोचना की है, जबकि बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। इस बीच आरबीआई ने अपील की है कि लोग पैनिक ना हो और बैंक जाने की जल्दबाजी नहीं करें। 2000 नोट का को वैध है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा था कि इस वैध मुद्रा को 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर जमा करा सकते हैं। इस बीच पेट्रोल पंप पर भी भीड़ देखने को मिल रही है, 90% तक अब बढ़ गया है इसका चलन। वहीं देश में 2000 रुपए के नोट बंद करने का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है, जहां बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने इसे लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की और याचिका में कहा गया है कि 2000 के नोट बिना किसी जमा पर्ची और बिना किसी आईडी प्रूफ के कैसे जमा हो सकते हैं संविधान में। वहीं अब इसको लेकर मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि जो 2000 की नोट बदली हो रही है इसको केवल खाते में जमा किया जाए। 19 मई को जो आरबीआई का नोटिफिकेशन आया उसको मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। 20 मई को जो स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन आया उसको मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में तीन कमियां हैं। पहला, इसमें डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है, यानी कौन पैसा लेके आ रहा है, वो नक्सली है कि माओवादी है कि कोई माफिया है, कौन पैसा जमा करने आ रहा है ये बैंक को पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, पर डे की कोई लिमिट सेट नहीं किया है, उसमें लिखा है कि एक बार में 20,000 रुपए ले सकते हैं। इसका मतलब अगर बैंक के अधिकारी और कर्मचारी से सांठगांठ हो जाए तो दो दो मिनट के अंतर पर 20,000 रुपए लेते रहिए। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैंक में आओ ना आपको कोई आईडी प्रूफ दिखाना है, ना कहीं कोई एंट्री करना है, ना कोई स्लिप भरना है, पैसा दो और पैसा लो। ये तो कभी हुआ ही नहीं था आज तक। इसीलिए मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल किया और मांग किया है कि ये पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी है, इररेशनल है, इलॉजिकल है। इस तरीके का स्टेप बिल्कुल यहां पे ब्लैक मनी को व्हाइट कर देगा। ऐसे तो देखते देखते जितना काला धन है सारा सफेद हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले केवल बैंक में ही जमा करने की परमिशन होनी चाहिए, कोई किसी को भी दूसरों को सीधे कैश वहां पे एक्सचेंज करने की परमिशन नहीं होनी। पत्र के बैंक में इसे जमा करना या एक्सचेंज करना मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करना है। ये बात कह रहे हैं जो अश्विनी हैं, उनके हिसाब से बिना किसी आईडी प्रूफ के पैसे जमा करना एक तर्कहीन है और कहीं ना कहीं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का ये उल्लंघन भी है। वही जिसको लेकर अब अश्विनी उपाध्याय ने याचिका भी दाखिल की है, साथ ही इसमें आरबीआई और एसबीआई को निर्देश देने की मांग की है। 2000 के जो नोट हैं संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं, ताकि कोई भी अन्य बैंक खातों में पैसा जमा ना कर सके और काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान हो सके। वहीं भ्रष्टाचार, बेनामी लेन देन को खत्म करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र को काले धन और आय से अधिक संपत्ति धारकों के खिलाफ उचित कदम उठाने का भी निर्देश देने की मांग की है उन्होंने। उपेंद्र जुड़ चुके हैं कानपुर से। तो उपेंद्र, अब इस मामले को लेकर याचिका भी दाखिल की गई है, क्या कुछ कहा गया इस याचिका में? जी ईशा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद उपाध्याय जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो उन्होंने पीआईएल दाखिल करी उसको लेकर देखा जाए तो अनुच्छेद 14 की अगर बात की जाए तो वो बात कहीं ना कहीं वो बात सही है कि अगर जो 2000 के नोट जो 20 नोट बनने का प्रावधान जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी उसको लेकर पूरी तरीके से जो है कि आदमी जो आधार का जो पैसा लेके जा रहा है मौके पे उसका आधार कार्ड नहीं जमा हो रहा है, ना कोई फॉर्म जमा हो रहा है,
तो कहां से पैसा जो 2000 का नोट आ रहा है वो नोट कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसका लेखा जोखा जो है वो सरकार के पास होना चाहिए। पर इस बात को लेकर पीआईएल जो दाखिल हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की है तो लोकसभा चुनाव 2024 लगा हुआ है, उसको लेकर जो विपक्षी दल के जो लोग नेता है वो लगातार जो है 2000 की नोटबंदी को लेकर के कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। और बात आज 23 मई है, आज से जो हर बैंकों में जो है लाखों 2000 के नोट चेंज करने का प्रावधान जो सरकार की गाइडलाइन थी उस दिन से आज चालू हो गई है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो जो लघु उद्योग जो छोटे बैंक है उन बैंकों में जो है पुलिस कुछ सुरक्षा व्यवस्था करके लोगों के नोट चेंज कराएगी। पर अभी देख बात सवाल ये उठता है तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने पीआईएल दाखिल की है वो एक बहुत बड़ी बात है, उसको लेकर कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक हो चाहे स्टेट बैंक हो इसको पूरी तरीके से प्रावधान जो है वो लागू करना चाहिए। जी, तो इस याचिका में ये भी कहा जा रहा है उपेंद्र कि कहीं ना कहीं इससे काला धन भी जमा हो सकता है बिना किसी आईडी प्रूफ दिए, तो कहीं ना कहीं जो काला धन है वो वही का वही रहेगा, पता नहीं चलेगा, सामने नहीं आएगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कानपुर जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और उसके बाद अगर बात की जाए तो जो ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं तो अगर एक किसी मिडिल क्लास आदमी को भी अगर थोड़ा पैसा देकर के बैंक जो चेंज किया जा रहा है नोट, उसका एक प्रावधान जो है वो होना चाहिए था कि आधार कार्ड हो या ऐसा एक फॉर्म भरा जाए जिससे कि पूरे ऑन रिकॉर्ड जो है कि जानकारी खाता धारक के अकाउंट में पैसा जा रहा है वहां से चेंज होकर 2000 नोट जो नोट चल रहा है उसको बैंक ट्रांसफर कर दे रही है। पर इसके लेकर कहीं ना कहीं जो पीआईएल दाखिल किया गया है उसको लेकर बड़ा सवाल उठता है। अब देखना यह कि स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक जो है कब तक इसकी गाइडलाइन जारी करता है। जी बिल्कुल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद उपेंद्र। के नोट बदलने को लेकर अब एक याचिका भी दाखिल की गई है। आरबीआई ने बैंकों को एक खास निर्देश दिए हैं जिसके हिसाब से बिना किसी आईडी प्रूफ के आप जाकर बैंकों में नोट बदल सकते हैं, लेकिन अब इसको लेकर अश्विनी उपाध्याय जो हैं उन्होंने याचिका दाखिल कर दी है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि बिना आईडी प्रूफ के पैसे जमा करना कहीं ना कहीं अवैध है और संविधान का उल्लंघन भी है। वहीं रिजर्व बैंक ने बीते सप्ताह एक बड़ा फैसला लिया था जिसके बाद से अब कहीं ना कहीं जो नोटबंदी है उसकी यादें ताज़ा हो गई हैं। सेंट्रल बैंक ने कहा था कि 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। आरबीआई के इस ऐलान के बाद से इस पर काफ़ी बवाल भी मचा, कई लोगों को डर सताने लगा कि अब उनके पास रखे 2000 के नोट का क्या होगा। हालांकि उन्हें डरने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नोट तत्काल प्रभाव से अब बंद नहीं किए गए हैं। वहीं लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर डर है, लोग लेन देन में अभी भी इन नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान करते हुए बताया कि इन्हें 23 मई से बैंकों में बदलवाया जा सकता है। जिस चीज को लेकर खास निर्देश दिए थे अब उसके लिए अब याचिका दाखिल की गई है। अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल की है, वही अब इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिना आईडी प्रूफ के पैसे जमा करने से जो काला धन है वो सामने नहीं आएगा। ज्ञान व्यापी से जुड़े सात मामलों की सुनवाई एक साथ एक अदालत में किए जाने से संबंधित मांग पर आज फैसला आ सकता है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई सोमवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हुई, जहां वादिनी महिलाओं के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी के मुताबिक अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और आज फैसला आ सकता है। दरअसल माँ श्रृंगार गौरी प्रकरण की चार महिला वादिनियों सीता शाहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था और अदालत से अनुरोध किया गया था कि ज्ञानव्यापी मामले से जुड़े एक ही प्रकृति के सात अलग अलग मुकदमों की सुनवाई जिला जज की अदालत में की जाए। इसके बाद जिला जज की अदालत ने आदेश पारित किया और अलग अलग मुकदमों से संबंधित फाइलें तलब की। वहीं मामले में सभी पक्षों के बयान दर्ज हो चुके हैं। तो आपको बता दें इस मामले में
सबके बयान दर्ज हो चुके हैं, वहीं आज अब इस मामले में फैसला आ सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं। तो रितेश, आज किन किन मामलों में फैसला आ सकता है? देखिए, लगातार बयान वापसी मामले में ये मामले चल रहे हैं, क्योंकि फैसला आना था। आज लगातार ये सुनवाई भी हो रही थी। सुनवाई के बाद जिस तरीके से अब जानकारी मिल रही है, सात मामले हैं जुड़े इसमें, जिन पर सुनवाई आज हो रही है और फैसला भी आ सकता है। सभी जो पक्ष थे उनके बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। ज्ञान भारती से जो भी जुड़े सात मामले थे उनकी सुनवाई एक साथ करने की बात कही जा रही है। एक अदालत में किए जाने से इस संबंधित मार्ग पर आज ये फैसला आ सकता है। लेकिन ये बड़ी बात होगी कि जिस तरीके से फैसला आने की बात हो रही तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। फिलहाल सुनवाई जो है इस मामले में जो सोमवार को जिलाधीश डॉक्टर अजय कृष्ण की अदालत में हुई, जहां पर वादनी जो थी वो महिलाओं के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी के मुताबिक अगर बात की जाए तो अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ सात मामले हैं जिन पर आज फैसला आना है, वही क्या कुछ फैसले हो सकते हैं, क्या कुछ चीजें हो सकती है जो सुप्रीम कोर्ट आज बताएगी इन फैसलों को लेकर? देखिए, मामला ये कि दो समुदाय के बीच में था। कोई वो कुएं में फुहारे की बात कही जा रही थी, कोई हिंदू धर्म के मानताओं के अगर माने तो वहाँ पर शिवलिंग की बात की जा रही थी। उसको लेकर के दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। उन पक्षों पर आज सुनवाई होगी और आज फैसला भी आ सकता है। ये आने वाली बात होगी, देखने वाली बात हो सकती है कि किस तरीके से हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करता है और क्या फैसला इसमें आ सकता है। जी वही रितेश, जो मुस्लिम पक्ष था उन्होंने इस मामले को लेकर कई आपत्तियां जताई थी, क्या कुछ आपत्तियां थी उनके उन्हें इस मामले को लेकर? देखिए, आपत्तियां थी, सबसे बड़ी बात इसमें हो रही थी कि जब इसको जब उस जगह की खुदाई की गई, फिर वहां पर जब उसका वैज्ञानिक रूप से जब तर्क निकाला गया, जांच की जाए की गई, तो उसमें एक शिवलिंग नुमा एक उसमें चीज निकला नुकीली चीज, तो उसको हिंदू मान्यताओं के आधार पर अगर देखा जा रहा है तो शिवलिंग की बात कही जा रही थी। वहीं जो मुस्लिम समुदाय के पक्ष है वो अपनी दलीलें ये रख रहे थे कि वो वहां पर फवारा है, यहां पर मस्जिद थी, तो ये औरंगजेब के जमाने से था, वहां पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, तो ये सब मामले बीच में आ रहे थे। लेकिन अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद फैसला आने के देर सभी सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई है। मां श्रृंगार गौरी प्रकरण की जो चार महिला जो वादियां थी, सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक, उनकी ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र गया था और अदालत से अनुरोध भी किया गया था कि ज्ञानवापी मामले से जुड़े एक ही प्रकृति में के साथ अलग अलग मुकदमों की सुनवाई की जाए, वो भी जिला जज की अदालत में ही की जाए। उसके बाद जिला जज की अदालत ने आदेश पारित किया और अलग अलग मुकदमों से संबंधित फाइलें तरजीह की थी। अब इसी मामले में दो पक्षों के बयान आ चुके हैं, बाद फैसलों पर निगाहें टिकी हुई। जी बिल्कुल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद रितेश। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।